हे गाइस, गुड इवनिंग। और आज है सैटरडे, टाइम अभी हो रहा है शाम के 7:45। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ 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 सबसे पहले तो ये कमेंट करना। और मैंने आज पहना है साड़ी, आपने शायद मुझे ये सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम तिरुपति बालाजी गई थी उस टाइम पे पहनी थी, दिवाली पे पहनी थी, और आज मैं साड़ी पहन रही हूँ, वो भी अमित, ईशान और रिया तीनों के कहने पर। और अमित मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे साड़ी पहनने के लिए, रिया भी बोल रही थी, साथ ही साथ आज मुझे ईशान ने भी बोल दिया मम्मा साड़ी पहनो, तो मुझे पहनना ही पड़ा। और साड़ी के साथ मैंने लिटिल बिट मेकअप भी किया है और बन बनाया है मैंने जस्ट ऐसे ही। ये साड़ी इस ब्लाउज़ के साथ बिल्कुल भी इसके साथ नहीं है, ये सामने पड़ा हुआ था, ये भी सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने दोनों को निकाल के कॉम्बिनेशन बना लिया है। और कॉमेंट ज़रूर करना कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। सो आज हम लोग जाने वाले हैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने, और आप सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा मेकअप करके मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाऊँगी। एक्चुअली मेकअप मैंने ये सोच के बिल्कुल भी नहीं किया था कि मैं ये साड़ी पहन के जाऊँगी ग्रॉसरी लाने। साड़ी मैंने पहली बार पहनी, पहले मैंने साड़ी पहनी तो रिया ने कहा कि थोड़ा सा मेकअप कर लो, थोड़ा सा करते करते इतना मेकअप हो गया, और अभी वो कह रही कि बन बना लो और साड़ी पहन के ही तुम जाओ मार्केट। तो आज हम लोग जाने वाले हैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने। आज सुबह भी मैंने ब्लॉग बनाया था, आधा अधूरा रह गया वो ब्लॉग, तो वो तो मैं आज पोस्ट नहीं करूँगी। और ये रिया ने मुझे इयररिंग ला के दिया है, इसके साथ मैं शादी में जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा ना। ओके, तो बस अमित को मैंने फ़ोन किया था तो वो निकल गए हैं ऑफिस से, और वो आ जाए, हो सकता है वो चाय पियेंगे, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे। अब मुझे शाम को भी खाना खिलाना है, और बस और तो कुछ काम अभी है नहीं, आरती रिया कर लेगी। और ये जो साड़ी है ये हमारी जो नेबर थी एक दी रहती थी, वो मुझे मेरे एनिवर्सरी पे गिफ्ट करे थे उन्होंने, तो वही साड़ी मैंने आज पहना है पहली बार। अगर वो ये ब्लॉग देख रही है तो आई थिंक वो खुश हो जाएगी मैंने उनका दिया हुआ ये साड़ी पहना हुआ है। Faded in this dark and smoky room, with your face reflecting bright green brights and blues, you know I kinda want to disappear with you, but don't think that is what I would use. So guys, अभी अमित आ गए हैं और अभी उनका रिएक्शन कैद करते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है मेरे इस लुक के ऊपर। अमित का रिएक्शन कैसा लगा कमेंट नीचे जरूर करना। और टाइम अभी हो रहा है 7:30, बस हम लोग निकलने ही वाले थे, तब तक किसान को जाना था बाथरूम, और वो बाथरूम में अभी पुपू कर रहा है, तो उसका भी जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम में थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि आपसे बातें कर लूँ। तो मैंने अपना साड़ी निकाल के ये मैंने कुर्ती डाल लिया, काफ़ी कम्फर्टेबल है। और ओके गाइस, तो चलिए चलते, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो सबसे पहले पेट पूजा उसके बाद घर के काम। ओके, हाँ नहीं जाती ब्लॉगिंग कर लो से जाना। ओके, ताला आवाज़ फंटे रखे जाती चलिए महाराज। मगर तो पैंट पूरी है ना, पैंट पूरी है इशू। ओ ओ गलो ना, गलो नहीं ना, गाड़ी से पैंट अच्छे अच्छे।
से आप मेरी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। तो जस्ट अभी अभी हमने ये सारी शॉपिंग करके लेके आए हैं, बिल हमारा मैच हो चुका है। घर में आके हम मैच करते हैं एक बार, कौन सी चीज़ लिए हैं, अगर कुछ छूट गया है तो वो मैच करना होता है, वो मैच कर लिए हैं। और बाकी सारा सामान यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने रख दिया है। मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी और जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत होगी वो मैं डब्बे में डाल कर रख दूँगी, और बाकी की सारी चीज़ वो मैं स्टोर कर लूँगी महीने भर के लिए। हम लोग महीने में दो बार ग्रॉसरी लाते हैं, एक तो पूरा मंथ के लिए ग्रॉसरी ये जो भी है लेके आते हैं, मंथ एंड में अगर कुछ चाहिए होता है, वो पूरे हर महीने में नहीं होता है, तो दो एक महीने में ऐसा होता है कि मंथ एंड में कुछ घट जाता है तो वो दोबारा से लाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको ये सेक्शन दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे है तीन सोप अमित के लिए, ये है एक विम का लिक्विड जेल इंसान के बॉटल्स वगैरह क्लीन करने के लिए। ज़्यादातर मैं हैंड वॉश से क्लीन कर देती हूँ, बट कुछ टाइम में इससे भी क्लीन कर लेती हूँ। ये है ईशान का बॉडी वॉश, ये एक फेस वॉश और शैम्पू हर एक तरह से वर्क करता है। ओडोनिल जो कि हर घर में चाहिए होता है। ये है रेड टूथपेस्ट मूव, ये भी कभी कभार ज़रूरत पड़ ही जाता है। विम बार सैनिटरी पैड, लाइजॉल, ये है निविया का क्रीम, और भी कुछ इसी सेक्शन की चीज़ें जो कि यहाँ पे है वो मैं आपको एक एक करके दिखाती जाऊँगी। तो ये है हमारा बिल। सो नेक्स्ट यहाँ पे है ये योगर्ट, ये है एक चॉकलेट, पनीर, ये है एक बिस्किट, पता नहीं कौन सा बिस्किट है, खैर तो ये है एक बिस्किट, ये है कुछ लहसुन, ये पूजा के सामान हैं जो कि हम लोग एक ही साथ सारा कुछ लेके आते हैं, और एक बिस्किट। इस बार हम लोग इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ले लिए हैं क्योंकि अब इंसान स्कूल वगैरह जाता है तो स्नैक्स के लिए उसको एक एक टाइम के लिए अगर देना पड़े तो वो सोच के हमने लाया है ये सब चीज़ें। या तो हम लोग जनरली इतना ज़्यादा बिस्किट वगैरह नहीं लाते हैं, किसान को भी कुछ खास पसंद नहीं है। उसके बाद ये एक बिस्किट है, देन हमने लाया है ये मूंगफली, बादाम, चीनी का पैकेट, ये एक के जी चीनी का पैकेट है, आराम से हमारा एक महीने चल जाता है क्योंकि हम लोग मीठा नहीं खाते हैं, सिर्फ चाय बनाते हैं। ये है पता नहीं इसका जावित्री या फिर बड़ी इलायची क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और ये बिरयानी में डालने के लिए मैं लेके आई हूँ। ये है कॉर्नफ्लोर, ये है एक रोज़ वाटर, और इसके साथ ये जो है फेस पैक फ्री में था वो मिल गया। ये है ईशान का बॉडी लोशन, ये और एक पैकेट है, देन ये है कॉर्नफ्लेक्स। तो अगेन मैं दो पैकेट लेके आती हूँ बट उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये सारी चीज़ें बिस्किट वगैरह, पर मैं लेके आई हूँ अगर लग जाए तो। अगरबत्ती, ये दो पैकेट बिस्किट, सॉरी ये एक पैकेट और ये दो पैकेट बिस्किट, इसके साथ बिस्किट फ्री में मिला था बट पता नहीं हम लेना ही भूल गए वो। ओके, ये और एक चॉकलेट ईशान का, ये चाय पत्ती, हम लोग यही चाय पत्ती यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा चाय पत्ती है ये। ओके, मसाले में यहाँ पे है दो पैकेट क्यूमिन सीड्स, एक ब्लैक पेपर पाउडर, मटन मसाला, कोरिएंडर मसाला जो कि और एक पैकेट होना चाहिए, मैं ऑलरेडी है एक पैकेट देख ही पैकेट लिए हैं। ये है चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, देन यहाँ पे है सॉल्ट, ओके टर्मरिक पाउडर, ये है दो मसूर की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल हम लोग ज़्यादा लाते हैं क्योंकि वो खाने में कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगता है वजह से। ये चने हम लोग इस बार एक ही लिए हैं, और काले चने भी हैं और क्या कहते हैं मटर भी है, तो बस यही चने सिर्फ लिए हैं। और ये है गरम मसाला, और एक पैकेट होना चाहिए इसका, ये है और एक रेड चिल्ली पाउडर। नेक्स्ट है मैक्रोनी, और ये नूडल्स, ये हम लोग का आराम से एक महीने चल जाता है, एक मैक्रोनी और दो नूडल्स। इसके बाद ये है चूड़ा, पोहे, देन यहाँ पे है कुछ नूडल्स जो कि पता नहीं इतना सारा क्यों लेके आए हैं, इतना सारा हमारा जरूरत नहीं पड़ता है, कभी भी हम इतना सारा नहीं लेके आते हैं,
ये एक्चुअली 10 पैकेट है, छोटा छोटा जो 5 रुपये का पैकेट है वो ये प्लानिंग करके लाई हूँ कि अगर बाई चांस कभी इंसान को स्नैक्स में देना पड़े तो 10 पैकेट यूज़ तो नहीं होगा इंसान को, इतना सारा तो नूडल्स खिलाने नहीं वाले हैं, बिकॉज़ ये हेल्दी तो होता नहीं है, जिसको कभी कभार हम भी खा लेंगे, और 3-4 पैकेट इंसान के लिए। एक्चुअली ये पूरे महीने भर के लिए लाए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग इंसान को बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। तो ये है दो काजू के पैकेट, काजू बादाम में लेके आई हूँ तो पाउडर बनाने के लिए। और ये है कुछ निप्पल्स किसान के बॉटल्स के लिए, इसका पैकेट ये मीडियम साइज़ का है, यस ओके। यहाँ पे है ये ऑयल 3 पैकेट 3 लीटर, ये है और एक गरम मसाला का पैकेट। नेक्स्ट यहाँ पे है डिटर्जेंट का पाउडर, ये 1 kg का है, ये 1/2 kg का है, और ऑलरेडी शायद और एक 1/2 kg का आई थिंक होगा, तो उससे हो जाएगा पूरा महीना और बच भी जाता है। तो ये सारी जो ग्रॉसरी है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पूरे मंथ में ख़त्म हो जाता है, कुछ कुछ चीज़ें बच जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मंथ एंड में हमें ख़रीदना पड़ता है, मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता है। तो ये है वो जैम का बॉटल, तो ये है सॉस का बॉटल, ये है ग्रीन चिल्ली सॉस का बॉटल, रेड चिल्ली सॉस ऑलरेडी है, विनीगर ऑलरेडी है, और सोया सॉस ऑलरेडी है, ये नहीं था और ये थोड़ा सा था, ये ज़्यादा यूज़ होता है। और ये है दीपम लैम्प ऑयल, यानी कि दिए जलाने के लिए, और ये पता नहीं क्यों ईशान ने ले लिया, तो ये है उसका। सो गाइस, बस यही है हमारे मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग, कुछ कुछ चीज़ें बच जाते हैं जैसे कि मैंने बताया, और कुछ कुछ चीज़ें जो है हमें लग जाते हैं मंथ एंड में। और ये सारे जो मैगी और बिस्किट्स के पैकेट्स दिख रहे हैं, ये इसी मंथ में लाए हैं, इतना ज़्यादा नहीं तो हम लोग नहीं लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर महीने लाते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। ये जो मैक्रोनी और नूडल्स के पैकेट है, ये हर महीने हम लोग को फिक्स रहता है, ये आता ही है, बट इतना ज़्यादा यू नो मैगी और यीपी वगैरह ये सारे हम लोग नहीं लाते हैं। ओके, और ये है हमारा बिल, जो कि आई डोंट थिंक आपको दिखाना चाहिए, मतलब तो जो भी हो। तो ये थी आज की शॉपिंग। और गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया हमारी मंथली जो ग्रॉसरी शॉपिंग होती है वो, तो अभी ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं, और ऑलरेडी टाइम हो रहा है 10:30 रात के, और ईशान से कुछ बातें कर लेते हैं। हाय शु, हाँ करा ईशान ने आज काजल का टीका लगाया है, मैं लगा रही थी तो उसे भी लगाना था। हाय शु, हाय हाय कर दो। हाय शु, हाय गाइस, हेलो 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 मैम। ओके, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज तो सैटरडे है, तो जल्दी सोने और कल जल्दी उठने का कोई प्लानिंग नहीं है। तो चलिए पहले ईशान को सुला देते हैं, क्योंकि 10:30 बजे पहले ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं, उसके बाद ईशान को सुलाएंगे, क्योंकि अभी उसको भी नींद नहीं आ रहा, उसको पता है कि कल संडे है, कल डेरा का छुट्टी है ऑफिस, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है आज के दिन, आज के रात में एक्चुअली। हे गाइस, तो रात के अभी 1:30 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ सोने, इतनी लेट हो गई क्योंकि मुझे एक वीडियो एडिट करनी थी, वो मैंने कर लिया है, और अभी मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि रात के अभी 1:30 बस बजने ही वाले हैं। सो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ हिट कर देना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ये यूट्यूब में शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अभी। और अच्छा लगे तो कमेंट भी प्लीज़ कर देना। सो मैं मिलता हूँ आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।